जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपको ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो साइंटिफिक है, वैदिक है, शास्त्रीय है, प्राचीन है, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं अंधविश्वास के खिलाफ ही काम करता हूँ, समाज से पाखंड हटाना चाहता हूँ। पर जो आवश्यक चीजें हैं, जिनका रीजन है, जो साइंटिफिक है, वो जरूर हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। प्यारे बंधुओं, आपने देखा होगा कि आदमी किसी भी दिशा में भोजन करता है। आप जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते, जीवन में कभी बीमार नहीं होना चाहते, तो ये दो उपाय, अगर आप ये दो उपाय करेंगे तो 100 साल तक आप कभी बीमार नहीं हो सकते। वो क्या उपाय हैं? जीवन में आप देखिए कि कभी भी आप जब भोजन करते हैं तो आप भोजन करते समय आपका चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। अगर आप पूर्व की दिशा में भोजन करते हैं, पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं, तो आप जानते हैं कि कुछ भूगोलीय ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जा ऐसी होती है जो ऊर्जा सूर्य की किरणों से ही हमें प्राप्त होती है। तो सूर्य की किरणों से जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस ऊर्जा को भोजन के समय ग्रहण करना ही विज्ञान है, आयुर्वेद है, साइंस है, और जठराग्नि से तेज होती है, पाचन तंत्र अच्छा होता है। इसलिए पूर्व की ओर मुंह करके अगर आप रोज भोजन करते हैं तो 100 वर्ष तक आप कभी बीमार नहीं हो सकते, अस्वस्थ नहीं हो सकते, और कभी बुजुर्ग नहीं हो सकते, बूढ़े नहीं हो सकते। एक उपाय यह है। दूसरा उपाय यह है कि कभी भी भोजन करते समय कभी भी आप बीच में पानी ना पिए। अगर आप बीच में पानी नहीं पिएंगे और भोजन करेंगे, भोजन को चबा चबा के खाएंगे, और भोजन करते समय अगर आप रोज 20 ग्राम मक्के के दाना, कच्ची मक्का, अगर आप रोज कच्ची मक्का भोजन के साथ यूज करते हैं, तो आप पूरा का पूरा बॉडी के जितने टॉक्सन्स होते हैं वो मक्का से बाहर हो जाते हैं, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो आप ये दो उपाय कीजिए, आप 100 साल तक कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी आप बीमार नहीं होंगे, और कभी भी आप कमजोर नहीं होंगे, हमेशा आप जवान, स्वस्थ और चमकीले बने रहेंगे। ये दो उपाय आपके जीवन को निरोगी रखेंगे और 100 साल की उम्र प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु।